पॉपुलर शो खबर में दम है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहले बात होगी कांग्रेस की पहली और बीजेपी की दूसरी लिस्ट की। तो बात होगी ऐसे लॉकर्स की जो काला खजाना उगल रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक घुसखोर के घर पर कितना पैसा मिला। तो देखते रहिए खबर में दम है। तो जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में कालेधन होने का दावा के बाद जब कार्रवाई हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कालेधन का सबसे बड़ा अड्डा लॉकर्स में हुई काले धन की बरसात। करोड़ों रुपए और सोना चांदी जब्त। राजस्थान में काली कमाई को निजी लॉकर्स में जमा करने के आरोपों ने विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल ला दिया। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीम सक्रिय हुई, कार्रवाई की तो लॉकर से करोड़ों का काला धन मिला। नोटों की गड्डियां इतनी थी कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ गई। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स में करोड़ों के काले धन होने का दावा सबसे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने किया था। उन्होंने 50 लॉकर्स में 500 करोड़ की काले धन का खजाना छिपा होने की बात कही और गणपति प्लाजा में धरने पर बैठ गए। आचार संहिता लगने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कालेधन के खजाने की सूचना मिलने पर सबसे पहले आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा ने मामले की गंभीरता को समझा और 6 भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में निजी लॉकर से कालेधन की खोज शुरू कर दी। सबसे पहले निजी लॉकर्स वाले स्थान पर जाकर पूरा रिकॉर्ड हासिल किया। आईटी के अधिकारी रिकॉर्ड देख करके दंग रह गए क्योंकि गणपति प्लाजा में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 1100 लॉकर्स की लंबी फेहरिस्त सामने आई। आईटी की टीम ने पहले 3 ऐसे लॉकर्स की जांच की जिनकी दोनों चाबियां लॉकर्स चलाने वाले कंपनी के मैनेजमेंट के पास ही मौजूद थी और पिछले कई सालों से इन लॉकर्स को खोला ही नहीं गया। ऐसे लॉकर्स की संख्या गणपति प्लाजा में 600 से ज्यादा सामने आई। करीब 250 लॉकर्स ऐसे थे जिनकी दोनों चाबियां मैनेजमेंट ने लॉकर्स किराए पर लेने वालों को नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी, जिसके बाद गलत जानकारी मिली। 250 लॉकर्स को संबंधित कंपनियों के विशेषज्ञ बुलवाकर तुड़वाया। आईटी ने सभी लॉकर्स को किराए पर लेने वालों का रिकॉर्ड खंगाला। किराए पर लेने वाले 100 लॉकर्स वालों के पैन नंबर गलत मिले। जांच में इन 100 लॉकर्स में से कई पत्ते फर्जी या अधूरे पाए गए। कई लॉकर्स की डिटेल गलत दी गई। इसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई लेकिन ये टीम मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना कम होने के कारण जांच को आईटी को सौंप कर लौट आई। आईटी की टीमों ने 3 दिन की मेहनत के बाद हाई रिस्क वाले लॉकर्स को ऑपरेट करना शुरू किया तो काले धन की बरसात होने लगी। सबसे पहले खोले गए 4 लॉकर्स के अकूत काले धन का खजाना मिला। लॉकर्स में मिला काले धन का खजाना। इदरीश हसन के लॉकर्स से 1 करोड़ का काला धन बरामद हुआ। डॉक्टर सैयद दानिश अली के लॉकर्स से 50 लाख रुपए का काला धन मिला। कारोबारी कार्तिक कुलवाल के लॉकर्स से 1 किलो सोना और दस्तावेज मिले। रावत मिष्ठान भंडार के मालिकों के लॉकर्स से 30 लाख का काला धन मिला। करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज्वेलरी और 50 से ज्यादा फाइलों का अंबार मिला। इसके बाद आईटी की टीम ने कारोबारी कार्तिक कुलवाल के 2 ठिकानों और राव मिष्ठान भंडार के मालिकों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का कहना कि मामला उठाने के बाद लॉकर्स खाली कर दिए गए।
मैं मीडिया के साथ गणपति लॉकर्स में पहुंचा था, जहां पर 1100 लॉकर्स थे जो अवैध तरीके से स्थापित किए गए थे। DOIT घोटाले के सरगना CP सिंह के लॉकरों में भारी सोना और भारी रकम की सूचना मेरे को मिली थी। अब आज वहां के लॉकर ढेर सारे करोड़ों का सोना उगल रहे हैं और करोड़ों की नकदी उगल रहे हैं। गणपति प्लाजा की ये निजी लॉकर्स काले धन को जमा करने के मामले में शुरू से ही विवादों में रही हैं। यहाँ छोटे लॉकर्स का किराया 2000 रूपए से शुरू होता है तो बड़े लॉकर्स का किराया 20000 रूपए तक है। गणपति प्लाजा में 1100 लॉकर्स चलाने वाली कंपनी पहले भी विवादों में रही है। 8 साल पहले यहाँ बेनामी लॉकर से IT को अरबों रुपए का काला धन मिला था। अकेले जयपुर में ही ऐसी दर्जनों कंपनियां अलग अलग नाम से बेनामी लॉकर्स का संचालन कर रही हैं, जिनमें अरबों रुपए का काला धन जमा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गणपति प्लाजा के साथ राजधानी के अधिकांश निजी लॉकर्स में जमा काले धन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने कभी सख्ती नहीं दिखाई। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और अति संवेदनशील लॉकर से बड़े पैमाने पर काले धन के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। राकेश शर्मा, News18 राजस्थान, जयपुर। तो पिछले दिनों डूंगरपुर में घूस लेकर पकड़े गए कोटा निवासी XCN के यहां जांच में खजाना निकल करके सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। धन कुबेर निकला घूसखोर, लॉकर से निकला लाखों का सोना चांदी, पूजा घर फ्रिज से निकली नोटों की गड्डिया, घर में बना रखा था मय खाना। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कोटा निवासी XCN के घर व ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया तो सोने चांदी के जेवरात व नकदी का खजाना देखकर SEBI की टीम भी आश्चर्यचकित रह गई। आरोपी XCN के लॉकर्स की तलाशी में करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, जबकि इससे पहले ही 48 लाख रुपए की नकदी व 50 किलो चांदी उनके घर से बरामद की जा चुकी हैं। आरोपी XCN शराब का इतना शौकीन है कि उन्होंने घर पर ही महकाना बना रखा है। आरोपी के घर पर बने महकाने में 4 से 6 लाख रुपए की महंगी व विदेशी ब्रांड की 190 बोतलें भी बरामद की हैं। SEBI की गिरफ्त में आए कोटा निवासी XCN अजय भार्गव के लॉकर्स की तलाशी में बड़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात मिले, जिन्हें देखकर SEBI की टीम भी आश्चर्यचकित हो गई। कोटा SEBI स्पेशल यूनिट की टीम ने जब आरोपी के ज्वाइंट लॉकर को खोला तो उसमें से करीब 90 लाख कीमत का 1.5 किलो सोना और 7 लाख कीमत की 10 किलो चांदी मिली है। कोटा SEBI स्पेशल यूनिट के एडिशनल SP विजय स्वर्णकार ने बताया, आरोपी के लॉकर की तलाशी में 1 किलो 31 ग्राम के गहने और 418 ग्राम के सिक्के सिल्लिया मिली, वहीं 3 किलो के करीब चांदी के जेवर, 7 किलो 586 ग्राम सिक्के सिल्लिया मिली। आरोपी के परिवार के नाम, शहर में 7 से 8 हॉस्टल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। अजय भार्गव के मकान की तलाशी हमने ली थी, उसमें मोटे तौर पे प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, करीब 7 से 8 हॉस्टल्स इनके स्वयं के नाम के या इनके परिजनों के या जॉइंट में हैं, वो स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जो हॉस्टल है राजीव गांधी नगर में वो बनवा रखे हैं, उनके कागजात मिले हैं, निवेश के कुछ कागजात मिले हैं और चांदी जो सिल्वर उसमें बरामद की है वो करीब 50 किलो चांदी है, गोल्ड जो ज्वेलरी और प्लस सॉलिड गोल्ड के रूप में जो स्वर्ण मिला है, जो गोल्ड मिला है वो 535 ग्राम है। इसके अलावा
उनके घर की जब तलाशी ली तो उनकी अलमीरा में दूसरे रूम में जो दीवान है उसको खोल के देखा तो वहाँ पर भी पैकेट्स के रूप में जो कैश मिला है भारी मात्रा में। इससे पहले कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट ने एक सप्ताह पहले आरोपी के कोटा स्थित महावीर नगर के घर की तलाशी ली थी। तलाशी में घर से 48 लाख नकदी मिली जिसे अलमारी टाड़ पूजा घर के आसपास छिपा रखा था। पहली मंजिल में रखे फ्रिज में 10 लाख, पूजा घर के पास रखे कलश में 13 लाख मिले। इसके अलावा घर से 50 किलो चांदी भी मिली जिनमें सिक्के सिल्लियाल जेवर थे। महंगे महंगे विदेशी ब्रांड की करीब 190 बोतलें बरामद हुई जिनकी कीमत 6 लाख रुपए के आसपास बताई गई। अब ये जानते हैं इस घुसखोर धन कुबेर का पता कैसे चला। दरअसल उदयपुर एसीबी की टीम ने डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए एक्सीएन अजय भार्गव को 45,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। अजय भार्गव डूंगरपुर में जिला परिषद में पोस्टेड है। मनरेगा में स्वीकृति निकालने के लिए सामग्री मद की राशि का 2% रिश्वत के रूप में मांगा था। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में 45,000 की रिश्वत लेते अजय भार्गव को ट्रैप किया था। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग समय पे करीब 20,000 रुपए भी बैलेंस से ले लिए। इसके बाद उसके घर और लॉकर की तलाशी में करोड़ों रुपए का सामान और कैश निकला जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। अब एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले व साधारण से दिखने वाले आरोपी एक्शन अजय भार्गव ने मात्र 45,000 रुपए में ही अपने ईमान का सौदा कर डाला। आरोपी एक्शन अजय भार्गव कुछ माह बाद ही सेवानिवृत्त होने वाला था लेकिन इससे पहले ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पिछले दिनों उदयपुर की एसीबी टीम ने डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए 45,000 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी एक्शन अजय भार्गव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब एसीबी की टीम ही नहीं बल्कि आबकारी विभाग, आयकर विभाग व पुलिस की टीमें इस मामले में जांच करने में जुटी हुई हैं। आरोपी एक्शन के इस मामले में आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो बीजेपी की दूसरी और कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई। लिस्ट आते ही कुछ सीटों पर किनके बीच मुकाबला होगा ये तय हो गया है। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसके कुछ ही देर बाद आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, सीपी जोशी, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा सहित ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। तो उधर भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। पार्टी ने 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी की लिस्ट में सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम भी शामिल है। बीजेपी की दूसरी और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही कई सीटों पर तय हो गया है कि किन किन के बीच मुकाबला होगा। नाथद्वारा सीट पर कांग्रेस ने सीपी जोशी को उतारा है जिनका मुकाबला विश्वराज सिंह मेवाड़ से है। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने सुभाष महरिया को। अलवर ग्रामीण सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने टीकाराम जूली और बीजेपी ने जयराम जाटव को मैदान में उतारा है। बायतू से कांग्रेस ने हरीश चौधरी, बीजेपी ने बालाराम मुंड को। बागी दौरा एसटी से कांग्रेस ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को और बीजेपी ने
कृष्णा कटारा को चुनावी मैदान में उतारा है। मालवीय नगर से कांग्रेस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को और बीजेपी ने कालीचरण सर्राफ के ऊपर दाव खेला है। डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर एसटी से कांग्रेस गणेश घोघरा को और बीजेपी ने बंसीलाल कटारा को चुनावी मैदान में उतारा है। सवाई माधोपुर कांग्रेस से दानिश अब्रार और बीजेपी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं। सुजानगढ़ एससी से कांग्रेस ने मनोज मेघवाल पर दाव लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने श्रीमती संतोष मेघवाल को मैदान में उतारा है। मंडावा में कांग्रेस ने रीटा चौधरी और बीजेपी ने नरेंद्र कुमार पर दाव खेला है। सांगानेर में कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज और बीजेपी ने भजन लाल शर्मा पर दाव लगाया है। मुंडावर में कांग्रेस ने ललित कुमार यादव और बीजेपी ने मंजीत धर्मपाल चौधरी को मैदान में उतारा है। जायल एससी की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने मंजू देवी, बीजेपी ने डॉक्टर मंजू बाघमार को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशलगढ़ एसटी की बात करें तो कांग्रेस ने श्रीमती रमीला खड़िया और बीजेपी ने भीमा भाई डामोर को मैदान में उतारा है। प्रतापगढ़ एसटी से कांग्रेस ने रामलाल मीणा पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने हेमंत मीणा पर भरोसा जताया है। मांडलगढ़ से कांग्रेस ने विवेक धाकड़ तो बीजेपी ने गोपाल लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। कुछ सीटों पर स्थिति अभी साफ हुई है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आएगी वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। फिलहाल एक बात तो तय है कि राजस्थान में इस बार मुकाबला टक्कर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो राजस्थान के रण में बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। उम्मीदवारों के 41 नामों वाली पहली लिस्ट के बाद बीजेपी ने अपनी 43 देखिए यहां पर नामों की जंबो लिस्ट जारी कर दी है 83, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इन उम्मीदवारों का फैसला नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीसी की बैठक में लिया गया था। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई बड़े नामों पर दाव खेला है। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को झालरापाटन से, सतीश पूनिया को आमेर से, राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से, रामलाल शर्मा को चौमू से और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। पार्टी का अपर हैंड है ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां अराजकता की है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जनाक्रोश है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है वो एक अतिरिक्त ताकत पार्टी की है। मोदी जी का नाम और काम ये एक बड़ा कारक है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सूची से भी ये साबित हो गया कि पार्टी किस तरीके से कलेक्टिवली चुनाव में जाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। कार्यकर्ता की कटिबद्धता, संगठन के प्रति समर्पण, विचार के साथ जुड़ाव और जनता के साथ ईमानदारी से सेवा, इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे और जहां जनता ने जिन्हें चाहा और जो समर्पित कार्यकर्ता रहे उन्हें मौका मिला है। इसके अलावा मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को, छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी को, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर को और बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नवरात्रि में माँ के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5 अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी, जिसके कारण से संगठन मुझे अवसर दिया है।
सुशासन, विकास, महिला, बच्चे और जो सुरसागर की बदहाली हुई है उसके अंदर हम लोग और अच्छा काम कर सकें और विजनरी काम हो मेरे। बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए तो वहीं दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। शनिवार को जारी हुई बीजेपी की लिस्ट के साथ अब बीजेपी ने कुल 124 नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब नजरें बीजेपी के बचे हुए 66 चेहरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो नागौर में विरोध के सुर उठे हैं। आपको बता दें कि मकराना सीट पर बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। सुमिता भीचर को टिकट देने का विरोध किया गया है। दूसरी सरपंच के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध किया है। तो मकराना सीट पर देखिए बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। सुमिता भीचर को टिकट देने का यहां पर विरोध हुआ है। जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद से विरोध के जो स्वर है वो उठने लगे हैं। और जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी 41 प्रत्याशियों की, तब भी ये देखने को मिला था कि तब भी बगावती सुर देखने को मिले थे। और एक बार फिर से बीजेपी ने चिंता मंथन मंत्रणा की गई कि इस बार ऐसी स्थिति ना बने। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर टिकट देने का विरोध किया गया है। तो कोटा में भी बीजेपी में बगावत देखने को मिला है। संदीप शर्मा को लेकर के विरोध शुरू हुआ है। कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर विरोध जताया है। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट मिला है और कोटा दक्षिण से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो कोटा में भी बीजेपी में देखिए बगावती सुर देखने को मिले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट मिला है और जैसे ही टिकट मिला उसके बाद से विरोध के जो स्वर है वो उठने लगे। तो संदीप शर्मा को लेकर के विरोध शुरू हो गया। कोटा से ये जानकारी आपको दे रहा है जहां पर बीजेपी में बगावत देखने को मिला है। संदीप शर्मा को लेकर के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर विरोध जताया। बूंदी में टिकट मिलते ही बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा का विरोध शुरू हो गया है। चौगान दरवाजे पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक डोगरा का पुतला फूंक करके विरोध जताया है। बीजेपी के साथ स्थानीय लोगों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला है। अशोक डोगरा का टिकट बदलने की अब मांग की जा रही है और वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग विरोध करते हुए दिख रहे हैं। प्रत्याशी की मांग है, पार्टी किसी को भी दे। 15 साल से हमारे विधायक साहब बिल्कुल मौन साध के बैठे हैं। आप देख रहे हैं बालाजी से जुड़े हुए लोग, समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ प्रदर्शन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद हैं। गुस्सा चारों ओर है। प्रत्याशी चेंज हो, हम सबकी एक सामूहिक मांग है। भाजपा से बैर नहीं, डोगरा जी आपकी खैर नहीं। गुस्सा है लोगों में, प्रत्याशी चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी को 10 बार करना पड़ेगा। ये हमारी शीर्ष नेतृत्व से मांगे, हाथ जोड़कर हमारी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से मांगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी हमारी माँ है। हमने इसलिए विरोध किया कि डोंगरा जी 15 वर्ष से विधायक है। बूंदी में हमने देखा है बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए विधानसभा में वो गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। आज तक उन्होंने बूंदी के बारे में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी बूंदी शहर की सड़कों पे, और विधानसभा में भी गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। अपने फत्ते चुक रहे हैं और आनंद में रहते हैं। न कार्यकर्ताओं की संभाल लेते हैं, न जनता की संभाल लिए अपने घर के बाहर। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां वापसी सिर्फ उटवल और अनिर्णय की स्थिति है। भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया है। कांग्रेस में जिस तरह की सिर्फ उटवल है, जिस तरह का कांग्रेस में आपसी द्वंद चल रहा है, वहां नेताओं की सिर्फ उटवल के चलते हुए जिस तरह से एनएनए की स्थिति है, वहाँ सूची जारी नहीं हो पाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची जारी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची राजस्थान की जारी की है, जहाँ पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक है उनको, ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने
एक बार फिर मौका दिया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।